The chapter name is SCF and LCM of third chapter. So here let us recall, I have already sent you all notes to solve these questions. Now very important topic is that ki check whether 32,046 is divisible by the 7, yes and no. बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवाइड किए हम इसको करेंगे, तो इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई भी अगर नंबर दिया हो और हमने बिना डिवीजन किए चेक करना हो कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, 32046, आप इसके सबसे पहले वंस डिजिट को देखें, क्या है यहाँ पर 6। कोई भी नंबर दिया हो उसका आपने सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट ही लेना है, ओके। आप उसको डबल कर दीजिए, सो ऑलवेज आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 12। स्टेप नंबर 2, जो पीछे के नंबर्स बचे वो क्या था, 3204 आप यहाँ राइट कीजिए। अब ये ट्वाइस किया हुआ नंबर इसमें से कट कीजिए, तो 4 में से 2 गए 2, 10 में से 1 गए 9 एंड हेयर इज 11, तो 3192 आ गया। अब आप 3192 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या ये होता है। अगर ये 7 से डिवाइड हो गया देन आंसर इज यस, अदरवाइज नो। सो हम सिर्फ 3192 को डिवाइड करके देखें 7 से, सेवन सिक्स 42, तो ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इट मीन्स कभी भी अगर आपने कोई नंबर 7 से विदाउट डिवीजन की चेक करना है कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या आप करोगे? स्टेप नंबर 1 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप वंस प्लेस का डिजिट लोगे, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है वंस प्लेस को, और जो आ जाएगा पीछे जितने डिजिट्स के नंबर्स बच गए हैं उनमें से उस नंबर को कट कर दो, ट्वाइस किए हुए नंबर को कट कर दो, और जो आ जाए उसको 7 से डिवाइड करके देखो। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है देन आंसर इज यस, अदरवाइज नो। तो ये था हमारा वेदर चेक, वेदर 32046 डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर और भी कई एग्जांपल हैं, चेक वेदर 343 इज डिविजिबल बाय 7। सो यहाँ पर एक 343 डिवाइड बाय 7। स्टेप नंबर 1, सो वंस प्लेस इज 3, सो ट्वाइस कीजिए 3 2 6। स्टेप नंबर 2, पीछे क्या नंबर बच गया 34 में 6 कर दीजिए, 14 - 6 - 28। सो अब 28 7 से डिवाइड होता है, यस होता है यस, सो आंसर इज यस। इज इट क्लियर? सेकंड टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय द 11। ए नंबर इज डिविजिबल बाय द 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस डिजिट 0 इज 0 और 11। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड कैसे होता है, बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे। तो ये कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, कि जो भी हमारे पास नंबर दिया होगा हम उसके इवन प्लेसेस पे नंबर देखेंगे और ओड प्लेसेस पे देखेंगे, उन दोनों का सम करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो 0 आता है या 11 आता है तो आंसर इज यस, अदरवाइज नॉट। सो चेक, तो यहाँ फॉर एग्जांपल दे रखा है चेक वेदर, सो 1331 सम ऑफ डिजिट्स ऑन एड ओड प्लेसेस। सो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये है आपका वंस प्लेस, तो आप 1 2 3 4 1 2 3, सो 3 नंबर पे प्लेस पे, 1 प्लेस पे, ये हो गया आपके ओड प्लेसेस 1 + 3 4। सो इवन प्लेसेस पे 2 and 4, सो 3 and 1, तो 3 + 1 4, सो 4 में इसका सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड प्लेसेस 4, सम ऑन डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस। अगर हम ओड प्लेसेस को ऐड करें तो क्या आ गया यहाँ पर 4, इवन नंबर को हम इवन प्लेसेस को ऐड करें तो क्या आ गया 4। अब दोनों का डिफरेंस, स्टेप नंबर 2 क्या है, दोनों का डिफरेंस 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर अगर 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, यानी कि 11 की टेबल से डिवाइड हो जाए, तो हम आंसर बोलेंगे यस, इट इज़ द डिविजिबल बाय द 11, अदरवाइज नॉट। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 3.1 एक्सरसाइज था, वो मैंने समझा दिया आपको डिविजिबल बाय 7 एंड 11, तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखना, ओके। 3.2 की बात करें अगर, तो यहाँ पर टॉपिक है चेक वेदर द फ्लोइंग आर डिविजिबल बाय द 12। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कोई नंबर 12 से कैसे डिवाइड होगा,
अगर आप उसको चेक कर ले क्या वो 3 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है, अगर वो दोनों से डिवाइड होता है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट। सो 3 से डिवाइड करने के लिए आपको मालूम है इन सभी नंबर्स को ऐड कर उसके सम को 3 से डिवाइड करके देखो येस एंड नो, अगर येस देन येस, ऐसे ही 4 से डिवाइड करने के लास्ट के 2 डिजिट 84 को 4 से डिवाइड करो, अगर वो डिवाइड होता है येस, दोनों से डिवाइड हो जाए तब आप लिखोगे येस, अदरवाइज नॉट। ऐसे ही 15 के फैक्टर बना लीजिए प्राइम 3 एंड 2 5, तो इन सबको 3 और 5 से दोनों से ही अगर ये डिवाइड होते हैं तो येस। ऐसे ही 20 की बात करें हम, 4 इंटू 5 20, 4 और 5 से चेक कर लीजिए 24, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको 4 इंटू 6 कर लीजिए, 4 इंटू 6 कर लीजिए, या फिर 3 इंटू 8 कर लीजिए। ऐसे ही 36 को चेक करना है तो आप 36 के लिए इसके फैक्टर से आप देखें, ये नंबर 2 से और 9 से अगर डिवाइड होता है तो ये 36 से भी नंबर से भी डिवाइड होगा, तो ये भी आपके पास है 2 9 18, 4 9 4 9 36, अगर ये नंबर 4 और 9 से डिवाइड हो जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट।